Okay, hi everyone. So today we will discuss one interesting problem from H.C. Verma और फिर इसमें पॉसिबल वेरिएशंस की भी बात करेंगे कि किस तरह से और इस प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके या फिर यू नो एक्सटेंड करके पूछ सकते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स सी, आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल. द एक्सपेरिमेंटर पुशेस द ब्लॉक ए फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक्स एक्सेलरेट. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? So, दो ब्लॉक है, ये A है, इसका मास एम ए है और इसके कॉन्टेक्ट में ही एक ब्लॉक रखा है एम बी. और एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, ब्लॉक A को पीछे से पुश करता है विथ सम फोर्स, लेट्स कॉल दैट फोर्स एफ ई. एफ ई क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन ब्लॉक A फ्रॉम बिहाइंड. सो दैट बोथ द ब्लॉक्स एक्सेलरेट. अब देखो, जब दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे सो दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, राइट. ब्लॉक ए अगर एक्सेलरेशन ए से मूव करता है सो ब्लॉक बी भी एक्सेलरेशन ए से ही मूव करेगा. बोथ विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन बिकॉज ब्लॉक ए पुश कर रहा है ब्लॉक बी को एक्सेलरेट करने के लिए, तो उनके बीच में कभी कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं होगा, राइट. दोनों साथ साथ मूव करेंगे. किसी भी टाइम टी पे आप बात करो तो दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा, राइट. अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है कि जो ब्लॉक ए है वो एक फोर्स एफ लगा रहा है ऑन ब्लॉक बी पे. सो ये जो इंटरनल फोर्स है जो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगा रहा है आगे की तरफ, एफ है, राइट. एम ए पे जो ये फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. और बाई न्यूटन थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा. सो एम ए पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा एफ, राइट. ये फोर्स कौन लगाएगा, ये एम बी है, सॉरी. ये फोर्स कौन लगाएगा, ब्लॉक बी लगाएगा ब्लॉक ए पे पीछे की तरफ, और यहाँ पे एफ ई लग रहा है. अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेट्स से ए है, हमें एक्सेलरेशन का नहीं पता. तो देखो, आपके पास दो फ्री बॉडी डायग्राम है, यू कैन राइट टू इक्वेशंस और दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल एफ ई है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट. जैसे सेकंड वाली यू नो एम बी के लिए अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए लिखे तो एफ कितना है, एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, राइट. और इसके लिए कितना हो जाएगा, एफ ई माइनस एफ नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए इंटू ए. सो एफ का वैल्यू देखो, आप क्या करो, आपको क्या निकालना है, एफ ई निकालना है ना, एफ ई निकालना है. तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से निकालो एफ अपॉन एम बी और इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो. सो एफ ई कितना आ रहा है, एफ ई इज कमिंग आउट टू बी एफ प्लस एम ए इंटू ए विच इज एफ अपॉन एम बी, राइट. एफ ई इज इक्वल टू एफ, राइट. सो यहाँ से एफ कॉमन निकाल लो, वन प्लस एम ए अपॉन एम बी इज यूर आंसर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ई, राइट. अब हम बात करते हैं कोई और मेथड है क्या. हाँ देखो, आप ये दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, आप क्या करो, आपके पास एक बार एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालना काफी सिंपल है इसमें, क्योंकि देखो आप ब्लॉक बी को दिया हुआ है कि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है और उसका मास है एम बी, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना क्वाइट सिंपल है, विच इज एफ अपॉन एम बी, राइट. आपको एक बार एक्सेलरेशन आ गया सो जो एक्सेलरेशन बी का है वही पूरे सिस्टम का है. सिस्टम का मतलब यहाँ पे एम ए था, यहाँ पे एम बी था, राइट. तो दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनका एक कॉमन एक्सेलरेशन है विच इज एफ अपॉन एम बी, और यहाँ पे आपके पास एक फोर्स लग रहा था एफ ई. सो सिस्टम, अगर मैं एम ए प्लस एम बी को एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, जस्ट एफ ई. एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एफ अपॉन एम बी. सो जस्ट राइट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नाउ मास किसका आएगा, टोटल सिस्टम का, एम ए प्लस एम बी, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम बी. सो ये रिजल्ट भी सेम ही है, यू कैन चेक. बट इसका एक फायदा है, ये आपको यू नो जनरल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा. जैसे अगर यहाँ पे एक ब्लॉक और हम इंट्रोड्यूस कर दें इस तरह से, देखो ये एम ए है, ये एम बी है और ये एम सी है, ठीक है. अब वो कहता है कि जो ब्लॉक सी पे जो थर्ड वाला ब्लॉक है जिसका मास एम सी है उस पे जो फोर्स लग रहा है बाय द सेकेंड ब्लॉक, और यू कैन से जो बी ब्लॉक है वो फोर्स एफ लगा रहा है. सो ऑफकोर्स उसका एक्सेलरेशन हमें निकाल सकते हैं, राइट. सिंपल एफ अपॉन एम सी, ये आपको एक्सेलरेशन आ गया. और एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन सी का है वो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा. सो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा जिसका वैल्यू एफ अपॉन एम सी है, और इस पे
जो फोर्स लग रहा है बाय द एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज एफ ई, दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम विच इज एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी. दिस इज मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि हमने निकाल लिया, राइट. तो ये दो लाइन का प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो और थोड़ा वेरिएशन करते हैं. अब सी के आगे भी एक ब्लॉक लेते हैं, जैसे ये एम ए था, है ना, ये एम बी है, ये एम सी है, और मान लो ये एम डी भी है. और यहाँ पे आप दे दिया कि जो बी ने सी पे फोर्स लगाया वो एफ है. सो अब कैसे निकालोगे? देखो, अब जो बी ने सी पे फोर्स लगाया है ना, वही आपको एफ दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, एफ ई, फोर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. सो हमें अल्टीमेटली एक्सेलरेशन पहले निकालना है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन, इस बार एम सी नहीं आएगा, एम सी प्लस एम डी आएगा. क्यों? क्योंकि जब ये वाला जो फोर्स आप दिखाओगे, सो आपको कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम लेना पड़ेगा, ये वाला. एफ जो फोर्स लग रहा है वो सी और डी दोनों को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो सी डी पे लगाएगा वो अब इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने सी प्लस डी को एज अ सिस्टम ट्रीट किया, राइट. सो सी प्लस डी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ. जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी एंड डी कॉमन बनाएंगे, एम सी यहाँ पे एम डी, सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, जो छोटा वाला सिस्टम है सी प्लस डी वाला, उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एफ अपॉन एम सी प्लस एम डी. और ये जो एक्सेलरेशन है नाउ, ये सभी का एक्सेलरेशन होगा, मतलब कितने भी आप सिस्टम बनाओगे इससे, या फिर इंडिविजुअल बॉडी, या फिर पूरा सिस्टम भी अगर लोगे, तो ऑल विल हैव अ सेम एक्सेलरेशन, विल बी हैविंग द सेम एक्सेलरेशन दिस वन. सो नाउ एफ ई कितना होगा, टोटल मास. अब पूरा सिस्टम ले लेते हैं, राइट, एम ए एम बी एम सी और एम डी, पूरा आप सिस्टम लोगे, तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो ए ने बी पे लगाया, बी ने सी पे, है ना, सी ने बी पे, बी ने ए पे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है. तो एफ ई विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम विच इज एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी, दिस इज द मास इनटू एक्सेलरेशन जो हमने निकाला, एफ अपॉन एम सी प्लस एम डी. सो अगर और जनरलाइज्ड वे में मैं बात करूं, सो देखो इस तरह से लेते हैं कि मान लो ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे, है ना, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, मान लो एन ब्लॉक्स हैं, इनके नंबर कितना है, एन ब्लॉक्स है, और आपको दे दिया कि यहाँ से एम ब्लॉक्स आगे, है ना, इस पे हम जो फोर्स है वो एफ है, एफ फोर्स है, और उसके आगे एम ब्लॉक्स रखे हैं, और टोटल एन ब्लॉक्स है, आपको एफ ही पूछा, एफ ही क्या, फोर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर. सो आप पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ अपॉन जितने भी आगे के मास रखे हैं. देखो जो भी ये वाले, है ना, ये जो m ब्लॉक्स आगे की तरफ रखे हुए हैं, इनका मास का सम. सो इस तरह से लिखते हैं, समेशन ऑफ m i, i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, यू कैन से 1 टू m. देखो ये वाले जो है ना, इनके ब्लॉक्स का सम लिखना है आपको, राइट. और फिर एक्सेलरेशन आ गया, सो f e कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कौन सा, टोटल मास, मींस summation of mi, I is varying from 1 to n, this is the total mass of the system into acceleration, f upon summation of mi, I is varying from, देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वैसे 1 to m वेरी नहीं करेगा, ये पीछे कितने ब्लॉक्स हो गए, n minus m, so n minus m to m, I hope clear हो गया होगा, right, ये इसमें थोड़ा सा confusion हो रहा है. जैसे मान लो ये आगे पांच ब्लॉक रखे और पीछे भी पांच ब्लॉक है, तो आपको क्या करना है, ये जो है ना ए वन, ए कैसे निकालोगे, एफ अपॉन जो आगे वाले फाइव ब्लॉक्स है उनका मास का सम, और फिर एफ ई में ये एक्सेलरेशन, और फिर टोटल जो मास है जितने भी ब्लॉक्स हैं सभी का सम, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर. इफ यू हैव एनी यू नो कन्फ्यूजन और वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग, वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप, राइट, यू विल गेट द लिंक इन द टेलीग्राम. Okay guys, keep working hard and best of luck. Bye.